और हमारी पहली रिपोर्ट उस बात की तफ्तीश करती है कि कैसे आगरा से चलकर आया एक 19 साल का लड़का देखते ही देखते काली कमाई का कुबेर बन बैठा। दो से चार, चार से आठ और आठ को सीधे 18 में बदलने में माहिर काला कुबेर यादव सिंह को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, यादव सिंह जलवाये जुम्बिश के फसानों में फूल खिलाते रहे। ये खेल शुरू तब हुआ जब मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, फिर सरकार बदली, लेकिन यादव सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं कि यादव सिंह पर कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मुख्यमंत्री चाहे मायावती रही हो या फिर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हो, यादव सिंह को किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तरक्की की सीढ़ियों पर वो और भी तेजी से चढ़ने लगा था। सरकारी तंत्र से ऐसी माया बरसाई गई यादव सिंह पर, जिन्हें बगैर डिग्री महत्वपूर्ण पद दे दिया गया और फिर उस पद लायक डिग्री हासिल करने के लिए 3 साल का वक्त अलग से। यादव सिंह के पास कितना पैसा है ये किसी को नहीं पता। यही कारण है कि अब धारा 409, 420, 466, 467, 469, 481 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 58 साल के यादव सिंह की पूरी कहानी शुरू होती है आज से 41 साल पहले, साल 1976 में, जब यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी में नौकरी के लिए आए थे। 19 साल का एक लड़का जब नोएडा अथॉरिटी में नौकरी पाता है तो उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है। स्थिति ये हो गई कि यादव सिंह आज काली कमाई के कुबेर बने बैठे। इसके बाद यादव सिंह विशेषताओं के बाग में रोज रोज एक नया फूल खिलाने लगा। कहते हैं कि यादव सिंह के दरवाजे पर जमीन, जेवरात, शेयर, बंगला, गाड़ी, कंपनी, सुख सुविधा, भोग विलास, ये तमाम चीजें झक मार कर पहुंचने लगा। इस नाम से देश में जो लोग परिचित नहीं थे वो भी अब जान गए हैं कि पैसे उगाने का ऐसा किसान तो कभी देश में पैदा ही नहीं हुआ जैसे यादव सिंह उगाता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन जब यादव सिंह की घर की तलाशी ली गई तो घर से लेकर पार्क तक, पार्क से लेकर जमीन तक, हर तरफ पैसा ही पैसा निकल रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, यानी कि काली कमाई का अकूत खजाना। कभी कार्रवाई ही नहीं हुई यादव सिंह पर। जब जब बात भी हुई कार्रवाई की तो बदले में उसे इनाम मिलता रहा। फिर देखते ही देखते 12 लाख की सालाना नौकरी करने वाले यादव सिंह 323 करोड़ की कुल चल अचल संपत्ति का मालिक बन बैठा। खैर अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो उम्मीद है कि घोटालेबाज यादव सिंह कुछ नए राज को भी उगलेगा। यादव सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, यादव सिंह एक टकसाल का नाम है। जिस देश में लोग दाने दानों को मोहताज हो, वहीं यादव सिंह ने ऐसा खेल किया कि बड़े बड़े खिलाड़ी चित होते गए, लेकिन यादव सिंह को कभी कुछ हुआ नहीं। कहने वाले तो शायद ठीक ही कहते हैं कि यादव सिंह की नजरों में ही पारस का पत्थर है। लोहा को छूकर सोना बनाना तो उसके लिए इतना आसान काम है जितना आपके और हमारे लिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदना। सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाला एक शख्स इतना कमा ले तो इनकम टैक्स वालों की इतनी कार्रवाई भी कम ही लगती है। इंसान एक गाड़ी खरीदने में जिंदगी बिता देता है, लेकिन अपने यादव जी के पास इतनी गाड़ी है, गिनती करने के लिए अलग से कोई कर्मचारी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। जब यादव सिंह के घर पर छापेमारी हुई तो 2 किलो सोना, करोड़ों के हीरे और 10 करोड़ का कैश बरामद हुआ। और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि अथॉरिटी के अंदर यादव सिंह की ही नहीं बल्कि मेन साहबों की भी खूब चलती थी। मामला आगे बढ़ता गया और आखिरकार यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सन्नाटे में जी रहे हैं पंडित जी, जो हाथ देखकर लोगों को धन और दौलत के बारे में बता देते हैं, और सन्नाटे में है पूरा अथॉरिटी कि देख लो अपने ही समाज का एक साधारण सा दिखने वाला सरकारी कर्मचारी किस्मत बनाने वालों को कैसे हैरत में डाल दिया है। यादव सिंह की खबरें जैसे जैसे सामने आई लोग हैरत में पड़ते गए। एक के बाद एक हर रोज नए खुलासे हुए और मालूम चला कि यादव सिंह पैसों के लिए नियमों और कायदों की किस तरह से धज्जियां उड़ाया करता था। डेवलपमेंट के लिए छटपटा रहा देश और देश के करोड़ों नागरिक रोज रोज अपने अपने बटुए की टोह लेकर सो जाते हैं, लेकिन यादव सिंह के बटुए में मनी प्लांट ने ऐसी जड़ जमाई है कि पत्ता पत्ता करोड़ों रुपए बरसा के सूख जाता है। यादव सिंह को शासन और प्रशासन की ओर से बहुत फायदे मिले। स्थिति यह हो गई कि यादव सिंह कभी खुद फंसा ही नहीं,
जब जब बात फंसने की आई, यादव सिंह खुद को बचाता रहा। इसके उलट नोएडा अथॉरिटी में हर एक फाइल यादव सिंह का मोहताज बनता चला गया। 2.5 किलो हीरा बरामद हुआ था यादव सिंह के घर से। कहते हैं कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी वाली कहावत तो बहुत छोटी पड़ गई थी, नई कहावत बनी दिन में हीरा और रात को सोना। यादव सिंह की किस्मत पर बिल्कुल मत रोना। जब यादव सिंह का खजाना खुला था तब जान पाए देश के लोग कि राइट टू फूड के दम पर पलने वाले देश में एक सरकारी कर्मचारी के खाते में क्या क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चमत्कार को देखकर हर कोई परेशान हो गया। जब पोल खुली तो पता लगा कि यादव सिंह के घर के कोने कोने में पैसा पड़ा है। और यही नहीं, ये सब देखकर इनकम टैक्स वाले भी हैरान पड़ गए थे। पैंतीस साल पहले पॉलिटेक्निक पास यादव सिंह को नोएडा अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी मिली। ये उनकी जिंदगी की पहली नौकरी थी, लेकिन सिर्फ 5 साल की नौकरी के बाद उन्हें प्रमोशन मिला। 1985 में यादव सिंह सहायक इंजीनियर बन गए। इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों ही लिखता है, यादव सिंह ने भी लिखी है। 17 साल की नौकरी के बाद 1995 में सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गए। इस पद पर रहते हुए कुल 5 साल तक नौकरी चली। फिर 5 साल के बाद 2002 में चीफ मेंटेनेंस इंजीनियर और 2011 में इंजीनियर इन चीफ। यानी 1980 से लेकर 2011 तक एक तरफ यादव सिंह का पद और कद बढ़ रहा था, दूसरी ओर उतनी ही तेजी से उनकी संपत्ति भी। लेकिन संपत्ति को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ाने के खेल में इस खिलाड़ी की ये पहली गलती थी। 13 जून 2012 को यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप बड़ा था, मामला 954 करोड़ के हेरफेर का था। राज्य में सरकार बदल चुकी थी, मुख्यमंत्री बदल गए थे। मायावती की विदाई और अखिलेश के आगमन के बाद यादव सिंह को ये बड़ा झटका लगा था। ये ऐसा झटका था जो था भी बड़ा जोर का और लगा भी बड़े जोर से। यादव सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई। मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षित स्थानों के लिए यादव सिंह जमीन तलाशते फिरे, सब कानाफूसी भी करने लगे कि कहीं खो गए हैं सिंह साहब। इसी बीच केस को CID क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दिया गया। वो तारीख थी 23 नवंबर 2012। अब तक सियासी गलियारों में बात बनने लगी कि मायावती के भ्रष्ट अधिकारी को अखिलेश की सरकार बिल्कुल नहीं रखेगी। लेकिन 2013 का साल यादव सिंह के लिए फिर से धनलक्ष्मी का साल था। तमाम बातों को झूठा साबित कर एक बार फिर से यादव सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई। एक तरफ CID की जांच चल रही थी, दूसरी ओर अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें फिर से इंजीनियर इन चीफ के पद पर नौकरी दे दी। वो तारीख थी 7 नवंबर 2013 की। फरारी की जिंदगी से अचानक प्रकट हुए यादव सिंह को 2014 में एक और नया काम मिला। राज्य की सरकार सब कुछ भुला चुकी थी। 12 नवंबर 2014 को यादव सिंह को नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। लेकिन संपत्ति के सहारे सरकारी जमीनों को भी हड़पने में माहिर इस अधिकारी पर अब तक इनकम टैक्स वालों की नजर पड़ चुकी थी। कभी अखिलेश की आंखों में चुभ रहा अधिकारी आज आंखों का तारा है, लेकिन उस तारे पर नजर लग गई है आयकर विभाग वालों की। और जिसके पीछे इनकम टैक्स वाले लग जाए, उसके दिन का चैन और रात की नींद कहां गायब होती है वो उन्हें भी नहीं पता होता, जैसे अभी यादव सिंह को नहीं पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सरकार किसी की भी होती रही हो, लेकिन यादव सिंह हमेशा फ्रंट पर होते थे। लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और थोड़ी देर में उनकी पेशी होगी। सीधे रुक करते हैं बदुजमा, हमारे संवाददाता इस वक्त CBI कोर्ट के बाहर से लगातार बने हुए हैं। बदुजमा, कितनी देर में उनकी पेशी होगी यादव सिंह की और किस तरीके की हलचल है कोर्ट के बाहर? देखिए, यादव सिंह की पेशी 2 बजे होने वाली है। खुद CBI के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी थी, हालांकि 2 बज चुके हैं तो ये माना जा रहा है कि अब कभी भी उनको CBI कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मेरे पीछे ही CBI कोर्ट है, आप देख सकते हैं, दुष्यंत आपको दिखाएंगे कि यही वो CBI अदालत है जहां पर यादव सिंह को CBI लेकर के आएगी और उन्हें यहां पर पेश किया जाएगा। हलचल काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा फोर्स यहां पर बढ़ा दी गई है, किसी तरीके की कोई घटना ना हो इसका खासतौर पर सरकार ध्यान रख रही है यहां पर। और मीडिया का काफी जमावड़ा है, क्योंकि जो
यादव सिंह हैं, काफी हाई प्रोफाइल मामला रहा है और अब तक जो यादव सिंह बचते रहे हैं एक तरीके से, लेकिन अब सीबीआई ने उन पर शिकंजा अपना पूरी तरीके से जकड़ लिया है और अब यहां से उनकी वापसी थोड़ा मुश्किल लगती है। और आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट है जहां पर उनके मामले की सुनवाई होगी। ये पहला मामला है जो उनके खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है और ये जुलाई 2015 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ 92 करोड़ का ये मामला है, जिसमें दो कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिया था लेकिन टेंडर देने से पहले ही वहां काम शुरू हो गया था। यही मुकदमा दर्ज किया था सीबीआई ने और उसी मामले में अरेस्टिंग के बाद आज उन्हें यहां पर पेश किया जाना है। बिल्कुल बदुजमा उस हलचल को हम देख सकते हैं किस तरीके का जमावड़ा मीडिया का भी है, क्योंकि एक धन कुबेर की आज पेशी होने वाली है। ये कह सकते हैं कि दिसंबर में पिछले साल ही स्क्रिप्ट इसकी तैयार हो गई थी जब उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था रामेंद्र को, उसी के बाद से ही। जी बिल्कुल देखिए पे कड़ी दर कड़ी चली है सीबीआई। पहले जो लिंक्स हैं उनको खंगाला है, उनको पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ के बाद पूरी जब आउटकम आ गया है बिल्कुल सीबीआई के पास, जब सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं अपने और पूरी तरीके से पकड़ बनाने के बाद तब जाकर के सीबीआई ने इन पर कायदे से हाथ डाला है। जी विकास जी बदुसमा एक और तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके का रसूख था यादव सिंह का उसके बाद ये खुद सीबीआई को लगा, क्योंकि हाथ डालने से पहले फाइलों को खंगाला और जब मजबूती मिली उसके बाद केस दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये केस जब से नॉलेज में आया, हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि यादव सिंह बचेंगे नहीं क्योंकि वो बसपा की गवर्नमेंट में बड़े खास रहे हैं अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े राजनीतिक जो रसूख वाले लोग हैं उनके काफी ज्यादा टच में रहे हैं, लेकिन जब सपा की गवर्नमेंट में आई तो ये माना जाने लगा कि अब यादव सिंह बचेंगे नहीं। हालांकि यादव सिंह जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बहुत तेजी से ये संबंध बनाने में माहिर है और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया, खासतौर से काले धन की इंजीनियरिंग में भी ये काफी जो है एक्सपर्ट है और शायद इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए सपा की सरकार में भी इन्होंने काफी ज्यादा पैड बना ली, जिसका नतीजा ये रहा कि जब नोएडा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई और उसके बाद सीबीआई को सपोर्ट भी नहीं किया गया। क्लोजर रिपोर्ट जब आगे जब सीबीआई ने उसको चैलेंज किया तब कहीं जाकर के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब ये स्थिति है। काफी वक्त, एक लंबा अरसा लगा सीबीआई को ये साबित करने में कि हाँ इनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। जी बदुसमा, चूंकि आज पेशी है और सबसे बड़ी बात थोड़ी देर में उनकी पेशी होगी, लेकिन किस तरीके की कोशिश होगी सीबीआई की कि रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि एक डायरी का राज भी खुलना है और किस किस से लिंकअप थे, कहां कहां से इनका जुड़ाव था, कहां कहां से ज्यादा पैसे, क्योंकि और भी केसेस सामने आएंगे, तो ये कोशिश सीबीआई की किस तरीके की होगी आज? देखिए यादव सिंह के खिलाफ एक लंबी फेहरिस्त है मामलों की, ये एक मामला है 92 करोड़ रुपए का जिसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद आज इनको यहां पर पेश किया जा रहा है। अब जब ये मामला शुरू हुआ है अब वो सीबीआई के शिकंजे में है, अब धीरे धीरे करके तमाम ऐसे मामले खुलेंगे। मैं बता दूं कि करीब 3000 फाइलें हैं जिनको सीबीआई ने खंगाला है, उसमें तमाम चीजें ऐसी मिली हैं जिसमें गड़बड़ झाला है और इसके अलावा अब तक करीब इसमें 4 से 5 लोग और भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी ये शुरुआत है विकास, एक तरीके से कहा जाए तो इसमें कई बड़े आईएएस के नाम आएंगे, अभी कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के नाम आएंगे, तमाम खुलासे अभी होने इसमें बाकी हैं। और एक शेर जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो विकास बहुत सारे खुलासे इसमें अभी होने बाकी हैं। जी जी बिल्कुल, और ये हलचल भी इसी बानगी है, एक तस्वीर है, लेकिन बदुसमा एक और तस्वीर है, क्योंकि यादव सिंह जिस 92 करोड़ के मामले में आज इनकी पेशी होने वाली है इसमें क्या सिर्फ यादव सिंह है या लिंकअप इसके, क्योंकि दो कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिए थे और उनमें काम पहले शुरू हुआ था, सीबीआई को यही एक आधार मिला था मजबूत तौर पर, क्या उस दिशा में भी सीबीआई की टीम बढ़ रही उन कंपनियों की तरफ, उनकी जांच कर रही? हाँ बिल्कुल, उन कंपनियों की तरफ भी सीबीआई बढ़ी। मैं बता दूं कि दो मामले हैं जिनमें पहले पहल में ही सीबीआई को यह लगा कि एक मजबूत मामला हो सकता है, इनमें एक जो है गाजियाबाद की एक कंपनी को टेंडर दिया गया था, एक नोएडा की कंपनी को टेंडर दिया गया था। इसमें जो मजबूत जो साक्ष्य है वो ये है कि टेंडर जब दिया गया, जब अलॉट हुआ उसके पहले ही उन चीजों पर काम शुरू हो गया था, ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट मिला सीबीआई को जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो टेंडर देने की जो इंटेंशन है वो मिला फाइट है। जरूरी है कि जो टेंशन जो टेंडर दिया गया
उसमें जो यादव सिंह है उनकी नीयत साफ नहीं थी और उसमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर उन लोगों को अलॉट किया गया। जी बिल्कुल बदिस्मा, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, थोड़ी देर में ही यादव सिंह की पेशी होगी, लेकिन किस तरीके का यादव सिंह ने खेल किया ये आपके सामने है। काले धन कुबेर की ये काली कहानी, यादव सिंह ने राजनीति में जिस तरीके से पकड़ बनाई और उसके बाद जो खेल किया वो बहुत बड़ा था। मायावती के पैतृक घर में भी पहुंचा और वहां के करीबियों से संपर्क किया। यादव सिंह ने चीफ इंजीनियर रहते हुए 8,000 करोड़ के टेंडर बांटे थे और ये एक हफ्ते में अरबों के टेंडर थे जो लगातार 8 दिन तक यादव सिंह ने इन पे साइन किया और काम पहले शुरू कर दिया था और कई 100 करोड़ रुपए लेकर एक एक कंपनी से जिसे टेंडर दिया, ये काला खेल खेला यादव सिंह ने। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण का चीफ इंजीनियर रह चुका है यादव सिंह और साल 2012 में यादव सिंह पर पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 13 जून 2012 को नोएडा के चीफ इंजीनियर के पद से उसे सस्पेंड किया गया। हालांकि सीबीसीआईडी जांच पहले ही चल रही थी, 6 महीने तक जांच की गई लेकिन कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। 50 दिन बाद यादव सिंह बहाल हो गया था, फिर इसे चीफ इंजीनियर बनाया गया। लेकिन 2014 के नवंबर महीने में आईटी ने यादव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें उसका दिल्ली, आगरा, नोएडा में घर भी आगरा था और उसके करीबियों के यहां भी छापेमारी की गई और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था नोएडा की उसकी कोठी से। छापेमारी में करोड़ों की कीमत के हीरे और जवाहरात भी इसके घर से मिले थे। 35 फर्जी कंपनियों का भी खुलासा हुआ था और ये फर्जी कंपनियां यादव सिंह की पत्नी के नाम पर थी और ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी कंपनियां, लेकिन इन्हीं कंपनियों ने जमीन को अधिग्रहित किया और फिर बिल्डरों को, कंपनियों को बड़े बड़े दामों में बेच दिया। सालाना 12 लाख की सैलरी पाता था यादव सिंह। यादव सिंह को 1980 में नोएडा अथॉरिटी में नौकरी मिली थी और इसके बाद 1995 तक 2 प्रमोशन के साथ ये प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बना और फिर इसने धीरे धीरे राजनीति में अपनी पकड़ बनाई और इसके जरिए ही वो बहुत दूर तक चला गया। अब इसकी गिरफ्तारी हुई और थोड़ी देर में पेश हुई। नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह का आलिशान मकान है, यहां यादव सिंह रहता था। यादव सिंह ने नोएडा के साथ आगरा के अमृतपुर में भी आलिशान मकान बना रखा था, वहां की तस्वीरें देखिए। सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है और इस वक्त हम खड़े हैं जो सेक्टर 51 में A10 यादव सिंह का वही आलिशान मकान है जहां पर यादव सिंह रहा करते थे। हम आपको बता दें कि यादव सिंह जो है मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे और आगरा में इनका एक पुराना जो पुश्तैनी मकान था, इसके बाद इन्होंने जो है आगरा के अमृत बिहार में एक आलिशान बंगला बनाया। उसके बाद जो है यादव सिंह के जो है सेक्टर 27 में भी मकान है। इसके अलावा यादव सिंह के जो है कई राजनीतिक जो है रसूखदार रखने वाले लोगों से भी संपर्क रहे हैं। वहीं अब सीबीआई ने आखिरकार यादव सिंह को गिरफ्तार जिस तरह से कर लिया है और 223 करोड़ का जो है पूरे मामले में इनका घोटाला पाया गया है, तो वहीं जो है यादव सिंह को लेकर के अब सीबीआई जो है पूरी तरह से और जो यादव सिंह के करीबी है उनका जो है पता लगाने में जुट गई है। आखिरकार कौन वो लोग थे जो यादव सिंह के साथ मिले हुए थे, वो कौन ठेकेदार थे जो यादव सिंह के जो है तमाम इशारे पर काम किया करते थे, और नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर हैं। और इसी के साथ साथ जो है यादव सिंह को लेकर के जिस तरह के जो है मामला चल रहा था कि आखिरकार यादव सिंह की गिरफ्तारी कभी भी सीबीआई कर सकती है और आखिरकार सीबीआई ने यादव सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया है, आज उनकी गाजियाबाद में पेशी की जाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ संजीव कुमार, समाचार प्लस, नोएडा।